प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आजकल सेवानिवृत्त हूँ और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाता हूँ कभी कभी। तो उस अमेरिका के प्रवास दौरान मैं कविता का कविता सृजन कर लेता हूँ। मैं पिछले एक साल से 8-10 बुक्स लिखी गई हैं क्योंकि और कोई काम ही नहीं होता बैठ कर। सुविधाएँ इतनी अच्छी हैं कि चाहे जब बैठ के काम कर लो। तो मैंने जो कविताएं लिखनी शुरू की उनको मेरे को ये नहीं पता था कि इनका कविता संग्रह का हेडिंग क्या होने। जैसे कि ये है, इसका हेडिंग है हे भारती तू कुलीन है। इसका मतलब है, ये कहना कभी चाहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये वो दूंगा टाइटल। हौली हौली करके बनी, ये सारा बन गया। तो जब मैंने इनको पहले चेकिंग की, गलती निकाली, दुरुस्त किया और फिर इसको बंद की, ऐसे बंद करके, और ये कलावा लगा रखा है, ये देखो ये कलावा मोल लगा रखी, और ये कविता संग्रह बन गया। हिंदुस्तान जाऊँगा, इसको छपा दूँगा। तो उसी में से मैं अब आपके सामने कविता नंबर 6 पढ़ रहा हूँ, और ये है जब जब बादल उड़ते हैं नवमंडल के आंचल में। जब जब बादल उड़ते हैं नवमंडल के आंचल में, हे भारती जब जब बादल उड़ते हैं नवमंडल के आंचल में, मेरा मन करता मैं भी खूब उड़ सकूँ इस जीवन के विस्तृत खुशियों के मंडप में। ये बादल हैं तैरते रहते जैसे वो बरसाती सरीला, सदा हवा पर रहते सवार एविरल जैसे घोड़े पर हो घुड़सवार। उसी दिशा में हैं भ्रमण करते ये बादल, उसी दिशा में हैं भ्रमण करते जिस दिशा में हवा का झोंका ले जाता, उसी दिशा में भ्रमण करते जिस दिशा में हवा का झोंका ले जाता। इन्हें रहता कभी भी कोई भी किसी भी तरह का विरोधाभास। हे भारती तीसरा श्रंजा, हे भारती ये बादल बहुत सियाने हैं, न जानते कोई भी कभी भी प्रश्नों का जटिल संसार, क्योंकि पवन है इनकी सहेली प्रतिबद्धता से भरपूर आस प्रयास। काश मुझे भी इस अपार जनसमूह में मिल जाता ऐसा ही कोई मेरा पक्का यार। चौथा श्रृंजा, अरे प्राणी अरे भारती जिसे खोजता है तू वो स्वयं तू ही है, तू ही है कर्तर धर्ता और तू ही है उन्नत भारत का सम्मान। इसलिए वो स्वयं तू ही है, तू ही करता रहता, तू ही है भारत का सम्मान। इसलिए तू अपनी को हुई तलाश, अपने भारत को ही खोज, तू ही अपनी तकदीर है, तू ही है भारत का मान सम्मान। हे भारती पांचवा अंतिम, हे भारती तू अपनी अंतरात्मा में उतर जा, हे भारती तू अपनी अंतरात्मा में उतर जा, भारत की अंतरात्मा में उतर जा। हे भारती तू अपनी अंतरात्मा में उतर जा, भारत की अंतरात्मा में उतर जा, सच्ची मित्रता का मन में दीपक जला, मित्रता की आत्मा में उतर जा। निजी व्यवहार में पारदर्शिता, निजी व्यवहार में पारदर्शिता, वे परस्पर सहयोग योगदान का शंख बजा, क्योंकि इस जनसमूह में मात्र एक सच्चा मित्र चाहिए, तू इसी मित्र की तलाश में लग जा। धन्यवाद।